जनाब अली एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं शाने रमजान 2022 के आखिरी किड्स सेगमेंट में। किड्स सेगमेंट हमारा आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, शाने रमजान अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो सारे बच्चे आज थोड़ा ईद के लिए हैप्पी हैप्पी भी हैं, शाने रमजान के लिए सैड सैड भी हैं, लेकिन जाहिर है हर चीज का एक शुरू होने का वक्त होता है, खत्म होने का वक्त होता है। तो आज हमारा किड्स सेगमेंट अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश, लेकिन अभी तो मैंने कोई बात की नहीं है, तो फिर बात होगी कैसे? बच्चों ठीक है, आप खैरियत से हैं? ईद मुबारक। वाह वाह, ईद के कपड़े खैरियत से हैं आप? ईद, बहुत सारे मुल्कों में आज ईद है, उन सब बच्चों को तो ईद मुबारक कह दें। कौन से कैमरे में कह दें? यहाँ कह दें ईद मुबारक, कह दें हमारे बच्चों को ईद मुबारक। हाँ वसीम बदामी, चलो ईद मुबारक कहने के लिए माइक आ गई, उसमें भी वसीम बदामी जी। आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ईशा, ईशा ही तो नाम है मेरा, तो इसी तरह मेरा भी नाम है वसीम बदामी। आपका नाम ही तो वसीम बदामी तो है, तो मैंने अगर आपका नाम ले लिया इसमें हैरत की क्या बात है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबको ईद मुबारक हो। सबको ईद मुबारक। सब बच्चों के लिए तालियां बजा दे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आदिल साहब? वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब ने सारे रोजे हो गए, एक भी रोजा नहीं छूटा, 30 के 30 हो गए, जबरदस्त। 30 जिन बच्चों ने सारे रोजे रखे उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दे भाई। वाह वाह वाह। और जो बच्चे किसी वजह से सारे रोजे नहीं भी रख सके, वो अगली दफा जो है वो इस दफा से भी ज्यादा रोजे रखेंगे और अपने अम्मी अब्बू को खुश करेंगे, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। वेरी गुड, तो बजा दो। ये आपने देखा, ये जो कंट्रोल रूम वाले अंकल है ना, इन्होंने आप लोगों के लिए तालियां नहीं बजाई, वो जरा बिजी हो गए थे इसलिए। जी क्या हाल है? खैरियत से है? मुझे कह रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही जी है। अच्छा, बताना नहीं किसी को, ठीक है ना? पक्की बात भाई। तो मैं आज ये आखिर में कहना चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों का, इन सारे बच्चों का, मैं इतना ज्यादा फीडबैक आता है इस सेगमेंट का, तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जरा खेल खेल में मैं खुद भी जरा फ्रेश हो जाता हूँ। कभी कभी जरा चैलेंजिंग भी हो जाता है, जाहिर है बच्चों को मैनेज करना, चूंकि ये नशरियात का थकावट के एतबार से पीक टाइम होता है, चूंकि आप 1:45 से लगे हुए होते हैं, 6 बजे के आसपास ये सेगमेंट होता है, तो 5 घंटे तकरीबन हो चुके होते हैं, तो कभी कभी जरा चैलेंजिंग भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इट इज फन। और आप सब लोगों का इस सेगमेंट को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे साल में कभी भी मुझे कहीं कोई पेरेंट्स मिलते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हमने फला दुआ अब हमारे बच्चे ने इस सेगमेंट से सीखी, या मुझे एक पेरेंट ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने, उनका बेटा उनके साथ था और मुझे एक बड़ी मुकद्दस जगह पे मिले थे, तो आई एम श्योर कि वो जो बात कह रहे थे वैसे ही, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये अब नमाज पढ़ता है, छोटा सा बेटा था, और आपका स्किट सेगमेंट देखने के बाद इसने नमाज शुरू की है। मेरा क्या मतलब, शाने रमजान का किड्स सेगमेंट है, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से चलता रहे। आज आखिरी दिन है, जरा बच्चों से गपशप करते हैं, लेकिन शाने रमजान 2022 के भी किड्स सेगमेंट से हम साइन ऑफ करने से पहले मैं तमाम पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस दौरान कभी कोई गलती वगैरह हो गई हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों से माजरत खा हूँ। कल ईद का दिन है, सारे बच्चे ईद मनाएंगे, इंजॉय करेंगे। अरे ये भी बैठे हैं आदिल साहब, ये मेरे पास एक चीज है, ये दिखाएं जरा, इसका मैंने भी करना है बिड़ा कर, इसको मैंने करना है बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर मैंने आदिल को देना है, इसलिए कि आदिल पता नहीं क्या, मतलब ये कैमरे की तरफ देख के ये पता नहीं क्या कर रहे होते हैं अभी, इकरार भाई ने कुछ किया, तो करें भाई जरा ये बनाए आपको जरा सही करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आदिल ले खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? उमर साहब और अबू बकर साहब ठीक ठाक हैं? वेरी नाइस। आदिल जरा बताए, आदिल भी है, आदिल आपको सलाम कह रहे हैं, आवाज तो बताए। सलाम अलैकुम। कितने जज्बात में, वाह वाह, आपकी आवाज जरा हमें कम आ रही है, लेकिन आप हमारे साथ रहे इस सेगमेंट में, चूंकि आखिरी सेगमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आज जब हम ब्रेक पे जाए तो आप भी साथ हो, तो आप लोग बस, आपको तो आ रही है ना हमारी आवाज? जी वसीम भाई। वेरी नाइस। तो मैं जरा कुछ जो हमारे नए बच्चे आए आज उनसे बात कर रहा हूँ, और आप भी हमारे साथ रहें ताकि हम साथ में ब्रेक लें। भाई आदिल आप बैठ के वो बनाए जरा, मैं जरा, जकी अब्बास अस्सलाम वालेकुम, कितने रोजे हुए जकी अब्बास के? 18। वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा, क्या बात। कुछ सुनाने का मूड है आज? तो आखिरी रोजा है वैसे भी, कुछ खरी खरी सुनाने का मूड है? सब सेट है, रमजान अच्छा गुजरा, तेजी से गुजर गया रमजान?
वेरी गुड, 18 रोजा, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और इतनी प्यारी प्यारी बेटियां भी आई हुई हैं आज, जरा हम जाते आते सबसे बात तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। कुछ मेरा दिल चाह रहा है आखिरी दिन है तो कुछ नात ना सुने हम दिए जी, कुछ नात सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे जी? हस्बी रब्बी। सुना दे एक दो लाइन सुना दे मुझे जाते जाते हम जरा। सत्य के मैं आका सारे जाको तीन मिला दे दीनों ने कलमा पराला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते सब एक दफा। वाह वाह वाह, क्या बनिया दिल, क्या बात कर रहे हैं, दिखाएं 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 भाई, यार कमाल है भाई। मैं यकीन करें मैं इसका मतलब मैं इसको टस से मस नहीं कर सकता। और ये पता नहीं ये तो छोटा वाला है ना, ये कौन सा, ये कितने बाय कितने वाला है? 3x3। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है जो आपके पास है? 5x5। वो इतना बड़ा है और पता नहीं उसमें भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो भी आता है। आई नो, वही तो मैं कह रहा हूँ। वेल डन, तालियां बजा दो भाई आदिल साहब, वेरी वेल डन। अच्छा ये तो आपको मैं रखे, मैं जरा और बच्चों से भी तो बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। आपको नींद आ रही है? मुझे बहुत आ रही है। आज मैंने ना ईद के दिन सिर्फ सोना है, इतना सोना है कि बस तबाही भेज देनी मैंने। आपका नाम क्या है? सिमरा। तो आपने ईद के लिए मेहंदी लगाई? आपने लगवाएंगे आज? कल लगाएंगे। चूड़ियां पहनी हुई आपने? वेरी नाइस, वाह वाह वाह। सबरा के लिए तालियां बजाते हैं बहुत सारे भाई, जबरदस्त। और इन्होंने देखो ये मेहंदी, आप ऐसी मेहंदी लगवाएंगे या जरा डिफरेंट लगाएंगे? इसे ऐसी वाली लगाएंगे? हाँ जबरदस्त। ये आपने किसने लगाई है भाई ये मेहंदी? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? तो बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ईद के लिए लगाई आपने मेहंदी? जबरदस्त। कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुना? नाथ सुन ले, क्या ख्याल है, बहुत दिनों से नहीं सुने नाथ। हाँ सुनाए सुनाए, एक लाइन सुन। आखिरी लाइन आप लोग को मेरे साथ पढ़नी है। आखिरी लाइन साथ पढ़नी है डॉक्टर साहब, नाथ पढ़ रही है और इसकी एक लाइन साथ भी पढ़नी है हमको, डन हो गया सब। आदिल साहब नाथ साथ पढ़नी है, ठीक है ओके। चिड़िया बोली चू चू चू। ओ अच्छा, नजम है, ठीक है। चिड़िया बोली चू चू चू, ओके। उमर, चिड़िया बोली चू चू चू, आवाज निकल रही है, ओके। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, एक कोयल बोली कुकू कुकू कू, अल्लाह अल्लाह, आती जाए जाती जाए, फूलों का चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, वाह वाह वाह, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती जाए। आप बताए इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जो इन्होंने पढ़ा ना, कि इसका मतलब हर चीज जो है ना वो अल्लाह ताला की तारीफ कर रही है, चाहे वो चिड़िया अपनी आवाज में कुछ कह रही हो, कोयल अपनी आवाज में कुछ कह रही हो, हर चीज किसकी तारीफ कर रही है? अल्लाह ताला की। इसीलिए हम भी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और इसीलिए हमको भी अल्लाह ताला की नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ते ना सारे बच्चे ना, आज एक प्रॉमिस कर लें, शाने रमजान खत्म होने वाला है अभी थोड़ी बात, थोड़ी देर बाद इफ्तारी हो जाएगी और फिर रमजान का महीना खत्म। तो सारे बच्चे एक प्रॉमिस ये करें कि हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि कभी भी हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सारे बच्चों ने मेहंदी लगा ली है डॉक्टर साहब, दिखाएं भाई दिखाएं। वाओ, कहां से लगवाई है? पार्लर से लगवाई है। वेरी नाइस, बहुत प्यारी लग रही है माशा। ईद का ड्रेस ले लिया है आपने? जी। क्या पहन रहे हैं ईद वाले दिन आप? किस कलर का ड्रेस है? नहीं बता रहे। ओ, ड्रेस कॉपी ना हो जाए अगर भी बता दिया, किसी और फ्रेंड ने कॉपी कर लिया, ये भी तो एक मसला है। लेकिन एक प्रॉमिस और करना है, जब ईद का दिन आएगा आदिल साहब जकी साहब सब लोग, तो हम सब नए कपड़े पहनेंगे, तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम अपनी पॉकेट मनी से, जो ईदी मिलेगी ना सबको ईदी मिलेगी, तो अपनी ईदी से थोड़े से 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 10 रुपीज, जितने भी चाहें, हम अपनी ईदी से सब पॉकेट मनी से, अपनी ईदी से किसी ना किसी को गिफ्ट देंगे, ठीक है, किसी की हेल्प करेंगे। ये बात होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? करेंगे बच्चों, ईदी मिलेगी? यस। कितनी? बहुत सारी। तो उस बहुत सारी ईदी में से थोड़ी सी ईदी ना किसी को देनी है हेल्प करने के लिए, ठीक है? पक्का हो गया? पक्का। वसीम बदामी? वसीम बदामी, मैं आपको भी दूंगी ईदी। ईदी देंगी मुझे? कितनी? बहुत सारी। बता दें, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 500? नहीं भाई, वाह वाह आदिल भाई,
500 रुपीस ईदी का ऐलान कर दिया है बराह रास्त टेलीविजन पे, 500 रुपए का ऐलान, जबरदस्त, वाह 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 वाह, क्या अच्छी नशरियात कर रहे हुए वसीम बदामी को इशाबाजी की तरफ से 500 रुपए का ऐलान, वाह वाह वाह, जबरदस्त। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ भाई। वो कौन है वो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जरा मुझे अपना नाम तो बता दें। शामीर रजा। शामीर रजा, यार शामीर कोई नात वात सुनाने का है ना मूड कोई? या सूरे नबा, सूरे नबा सुना दो, कुछ कुछ आयात सुना दो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलून अलिन्नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। वेरी नाइस। सवाल, आज का आखिरी सवाल चांद रमजान का, ये जो अभी इन्होंने आयत पढ़ी है, ये कौन से पारे में, जिसको आता है हाथ खड़ा करें, जकी को आता है, आदिल को आता है, शामिल को आता है, कौन से पारे की आयत पढ़ी है उन्होंने, बताएं आदिल? अम्मा। यानी पारा का नंबर क्या? 20, 30, 30। जकी सही है जवाब? ओके, बिल्कुल सही है, 30वें पारे की आयत पढ़ी है, बिल्कुल सही। तालियां बजा दें भाई शामिल के लिए, जबरदस्त। अरे अहमद आपको भी पता है, सही जवाब है ना डाक साहब? जी जी। ओके, हाँ भाई, हाँ भाई, कौन ये कौन है? ये मुझे नहीं पता। आपका फ्रेंड है असीम भाई? बेटा ये खान, ये खाने का थोड़ी है, ये है, इसको करीब करके बोले तो आवाज जोर से आती है, बोले जरा बोले। ना ना ना, इट इज नॉट एन आइसक्रीम मेरे बच्चे, ये दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइसक्रीम। आप कुछ बोले इसमें? हाँ, नहीं 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 नहीं, खाने के लिए, खाने के लिए कुछ दीगर चीज आपको पेश करेंगे, ये हम, ये खाने के लिए, ये मेन्यू में नहीं है बेटा। ओहो बेटा, ये भी मेन्यू में नहीं है, ये मैं आपको पेश करूं वेस्ट कोट, लेकिन आपके लिए तो कंबल बन जाएगा ये पूरा। क्या नाम, नाम क्या है आपका? असीम भाई। हाँ भाई, अरे नहीं, क्या कह रहे हैं? आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे डॉक्टर साहब? जल्दी से सुना दो आखिरी पोयम शान रमजान की, सुनाओ भाई। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना चौथा है, सोते 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 भूख लगी, काहे बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, पास लाए दिल्ली, दिल्ली ने हमारा पंजा, मामा हो गया गंजा। तालियां बजाने भाई सारे बच्चों के लिए। भाई डेटॉल से हाथ, बच्चों हाथ धोए, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, डेटॉल से हाथ धोना बहुत जरूरी है। शामिल फिर आप भी हाथ धोए, आदिल आ जाएं। शाने रमजान की, अरे बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है, बहुत ब्रेव बच्चे हैं सारे। आदिल इधर आ जाएं, जकी आ जाएं, हमने नात पढ़नी है शाने रमजान की आखिरी नात से, जुनेद भाई को हम याद करेंगे और मेरा दिल बदल दे पड़ेंगे। भाई ये बच्चों को बोलो, ये छलांग ना मार दे कहीं, इसको बड़ा पकड़ना बेटा। हाँ चले चले, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे बच्चे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चुनेद अंकल की वो नात याद है, मेरा दिल बदल दे, याद है? या वो मोहम्मद का रोजा, कौन सी नात पढ़े? मोहम्मद का रोजा पढ़े, दिल बदल दे, मोहम्मद दिल बदल दे पढ़ते हैं, चलें आ जाएं। ओके सारे बच्चे अपने अपने घरों पे पढ़ेंगे। शान रमजान का आज आखिरी सेगमेंट है, जुनेद भाई, अमजद भाई, वसीम भाई, सबको अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। आइए हमसे मिलकर पढ़ते हैं, पहले सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता। और आखिर में जाते हुए खुदा हाफिज कहते हुए हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा नासिर। शान रमजान 2022 में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।